हे दोस्तों नमस्कार, आज के नए ब्लॉग नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों सभी को राम राम। मैं मदन अपने YouTube चैनल एटी ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत लोग कमेंट आया है कि भाई 180 गाड़ी और NCR परमिट जो होता है उसको लिमिट कहां तक होती है, और साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑल इंडिया की परमिट की लिमिट कहां तक होती है और आप गाड़ी कहां तक लेके जा सकते हो, कौन कौन सा टैक्स कटवाने होते हैं और लोकल चलाने वाले को भी और ऑल इंडिया चलाने वाले को। दोस्तों तो आपको ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर फेसबुक पेज की भी देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा एक ही वीडियो हर जगह जाता है, ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ। अगर कोई आपको डाउट है तो ये डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हो एंड आपसे आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से रिप्लाई देता हूँ, कई बार कॉल नहीं उठा पाता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीजें पॉइंट आके मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 180 गाड़ी का क्या होता है लिमिट। एक 92 किलोमीटर मतलब 92 किलोमीटर का एक दायरा है दिल्ली NCR में। NCR अपन बोले तो मानेसर हो गया, इधर गाजियाबाद हो गया, इधर सोनीपत हो गया, तो ये सारे एक दायरा है। इधर भिवाड़ी या गुड़गांव वगैरह तक हो गया, तो ये सब जो दानेसर वगैरह ये सब आप जा करके इतने में काम कर सकते हो, और काम करने वाले के लिए इतने एरिया भी काफी है, काम करने वाले के लिए इतना एरिया काफी है। अब बात आती है कि NCR परमिट की गाड़ी चला रहे तो कौन से टैक्स भरने पड़ते हैं। देखिए दिल्ली अगर नंबर गाड़ी है आपकी तो दिल्ली में साल का 1900 रुपए का टैक्स लगता है जो आपको रोड टैक्स भरना होता है। एंड आपका जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो आदमी लोकल NCR काम करता है, NCR परमिट गाड़ी है, 180 गाड़ी है, तो आपको वहां पे दिल्ली का MCD टैक्स कटवाना होता है। MCD टैक्स कटवा करके आप दिल्ली में डेली आना जाना कर सकते हो, या आप पास भी ले सकते हो। पास लेने से क्या फायदा होगा कि आप चाहे दिल्ली से हरियाणा जा रहे हो, हरियाणा से 10 बार आओगे 10 बार जाना होगा, आपका पास है तो आपका चाहे 10 बार जाओगे तो कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप वैसे भी अगर पास के जाते हो तो आपको पर ट्रिप पे आपके वॉलेट में रिचार्ज होना चाहिए, जो RFID कार्ड है ना उनका टैग जो बना हुआ है, जैसे अपन फास्टैग बोलते हैं उसका, उनका RFID फास्टैग बना कार्ड बना हुआ है टैग, और उस टैग में पैसे आपके रिचार्ज अगर नहीं रखे हुए हो तो आप लोगों को 200 रुपये पे करना पड़ता है पर ट्रिप पे। बट अगर आपने पे करके रखा हुआ और उसमें पैसे डाल के रखा हुआ है तो आपको उसमें दोस्तों सिर्फ 100 रुपये ही पे करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये झमेला है 180 वालों के लिए। और सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आप पास ले लेते हो तो नो टेंशन, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास पास है, जितने मर्जी आओ। लेकिन अब सवाल आपका एक और यहाँ पर होगा, सवाल क्या होगा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ NCR की काम करना चाहते हो तो NCR के में भी आप काम कर सकते हो। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो बाहर के लिए चाहिए ऑल इंडिया परमिट। अगर छोटी सी बात बताएं, NCR गाड़ी अगर आप बाहर लेके जाते हो तो उसके लिए परमिशन लेना होता है गवर्नमेंट से, ठीक है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या साइबर कैफे वाले से अपने जो टोल टैक्स वैक्स काटते हैं उनसे आप करवा सकते हो। सेकेंड क्या है कि अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया टैक्स वाले गाड़ी की, जिसको बोलते हैं 1Z DL1Z D3710, जैसे मेरी गाड़ी है, ठीक। इस गाड़ी की बात कर लेते हैं तो हम इंडिया के किसी भी कोने में हम लेके जा सकते हैं। बाकायदा हमारे पास हर स्टेट जिस स्टेट के टैक्स होगा हम उस स्टेट में जाएंगे, हमें पुलिस वाले कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी टोल तो पे कर ही रहे हैं, टोल टैक्स पे कर रहे हैं। अगर हम जैसे कि सपोज कीजिए, आपको एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको समझिएगा। दिल्ली से हमें हरिद्वार जाना है तो दिल्ली से हम अगर वाया मेरठ पकड़ते हैं मेरठ एक्सप्रेस वे, तो पहले गाड़ी दिल्ली से यूपी में घुसेगी, यूपी से मुजफ्फरनगर खतौली होते हुए सीधा गाड़ी जाएगी उत्तराखंड। तो अपन क्या हुआ, पहले दिल्ली फिर अपना यूपी फिर उत्तराखंड, तो तीन स्टेट लग गया। तो दिल्ली में तो लाइफ टाइम टैक्स फ्री है, बट अगर दिल्ली में आते तो इसमें भी MCD लागू होता है आपको 1Z गाड़ी पे भी और इंडिया परमिट पे भी। बट अगर हम यूपी से जाते हैं तो यूपी पर टैक्स आपको भरना पड़ेगा, चाहे आप पर डे के हिसाब से आपकी डिजायर गाड़ी है तो 120 रुपये प्लस काटने वाला जो चार्ज लेगा वो आपको भरना है। एंड अगर आपको खुद से भरने आता है तो खुद से 120 रुपये 5-सीटर गाड़ी का भर सकते हैं दोस्तों, बट वो बैलेट सिर्फ 12 घंटे के लिए होता है, चाहे सुबह कटवाओ तब भी रात को 12 बजे तक वैलिड है, या रात को 1 बजे कटवाओ तब भी रात को 12 बजे तक ही वैलिड है। तो ये यूपी का गवर्नमेंट का रूल्स पॉलिसी है कि इतने टाइम तक ही आपका टैक्स वैलिड है 120 रुपये का। बट आपको एक चीज और मैं बता दूं
कि अगर आप यही चीज हरियाणा हरियाणा में जाते हो तो हरियाणा में 24 घंटे की लिमिट है। अगर आपने 1 बजे आज कटवाया तो कल 12:59 तक यह वैलिड है, ऐसा होता है उधर, ठीक है। 24 घंटे के लिए अपडेट है। और यही पंजाब में है, यही हिमाचल में है, ये 3 स्टेटों में ये टाइमिंग का शेड्यूल रखा गया है। बाकी हर स्टेट में सिर्फ टाइम रात का 12 बजे तक का ही दिया जाता है, चाहे आप सुबह कटवाओ या शाम में कटवाओ, चाहे 1 घंटा पहले कटवाओ, रात को 12 बजे आपका टैक्स खत्म हो जाता है दोस्तों। तो अपन क्या बात करने वाले कि अगर आप यूपी से जाते हो तो यूपी का टैक्स कटवाना है, फिर उत्तराखंड में आपकी गाड़ी एंटर हो रही तो उत्तराखंड बॉर्डर से पहले टैक्स कटवाना। अगर बॉर्डर पे क्या होता है, चेकिंग होती है, अगर चेकिंग में पकड़े गए तो भैया आपको कोई नहीं बचाएगा चलान करने से, 5000 रुपये का चलान है तो दोस्तों। तो देखिए हर बंदे की अपनी अपनी एक सेटलमेंट होती है अपना। अब सेटलमेंट क्या करना है, कभी पुलिस वाले 500 भी मान जाते, कभी चलान काट के ही मानते। तो देखिए दोस्तों, इस जो ऑल इंडिया गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर है उन सबके लिए एक मैं पैकेज बना रहा हूँ, पैकेज बना के रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी बना हुआ, लोगों को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो पुराने ड्राइवर मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है, जो नए ड्राइवर देख रहे हैं उनको नहीं पता है दोस्तों। ये चीजें आपको समझना है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप ऑल इंडिया टैक्स चलाते हो तो आपके लिए डिजायर गाड़ी के लिए सिर्फ 6,100 या 150 रुपए का टैक्स पड़ता है, बट गवर्नमेंट का रेट है सिर्फ 6,000 रुपए 3 महीने के लिए पूरा शेड्यूल में, ठीक है। 3 महीने मतलब 90 दिन के लिए आपको 6,000 भर दिए। अब हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, उत्तराखंड जाओ, हिमाचल जाओ, कहीं भी जाओ, राजस्थान जाओ, कोई रोकने वाला पुलिस वाला नहीं। आपको उठाना अपनी जेब से, गाड़ी से भर रहा है, सर ये देखो आप इस तरीके से दिखाकर जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ बाहर की स्टेटों में सिर्फ टैक्सी चेक किया जाता है, बाकी इतने कुछ दिक्कत नहीं आती है। बाकी पेपर हमेशा आपको ऊपर रखना है अपनी गाड़ी का, कभी भी कुछ भी चेकिंग में पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आपका ऑल इंडिया टैक्स का गाड़ी के क्या होता है, ये सब कुछ डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। 180 का भी मैंने क्लियर कर दिया, ये दिल्ली का नियम है, दिल्ली की गाड़ियों का। अलग अलग स्टेटों में भी सेम ही चीज होती है फॉलो, ऐसा नहीं है कि वहां अलग होगा। अगर आप सीधी सी बात है कि आप अगर दिल्ली में भी आ रहे हो तो चाहे DL1Z गाड़ी हो या DL1RT गाड़ी हो, आपको समझ लो कि MCD टोल पे करके ही आना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप पे नहीं करते हो और आप अंदर आ जाते हो तो उसमें आपका 200 रुपये का कैश वहाँ में फाइन कटेगा, जो कैश में अगर देते हो तो। जो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप भगा लेते हो गाड़ी को, अगर पकड़े जाओगे आपके पीछे उसने किया MCD टोल वाले ने, तो पहली बात जितने किलोमीटर वहाँ से होगा 20 रुपये पर किलोमीटर चार्ज जोड़ के लेते हैं लोग। दूसरी चीज 500 से 600 का फाइन भी आता है। एक मेरे दोस्त के साथ हुआ, 500 फाइन लिया था, प्लस उसका 5 किलोमीटर चलाया गाड़ी तो 20-25 टोटल 600 रुपये खर्रा बना के दे दिया उनके हाथ में। तो ऐसी गलती ना करें कभी भी। आप इसके लिए MCD पास ले सकते हो एंड ऑल इंडिया टैक्स चलाते हो तो आप ऑल इंडिया का टैक्स कटवा सकते हो, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया टैक्स, ठीक है। DR गाड़ी पे भी कटता है, अर्टिगा पे भी कटता है, सब गाड़ी का कटता है। तो 3 महीने का भी कटवा सकते हो, साल का भी कटवा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपका दोनों चीज का मैं डाउट क्लियर कर दिया। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ आया, प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स है, आप मेरे को इंस्टा फेसबुक और सब कुछ फॉलो कर सकते हो और अपनी बात व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो या कमेंट करके भी बता सकते हो कि भाई आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट, लाइक, फॉलो, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक, कमेंट, अपनी सजेशन दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ऐसी आप लोग प्यार बनाए रहे, मिलते हैं कोई नए टॉपिक नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को राम।